الحمد لله الذي قدر الخلق والأمر بالحق الذي خلق الخلق ثم هدى شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد مذهب اسلام کے بعض احکام ایسے ہیں جو اکیلے اکیلے فائدہ نہیں دیتے بلکہ کسی دوسرے حکم کے ساتھ مل کے فائدہ دیتے ہیں. اکثر اللہ نے ان کو جوڑا جوڑا کر کے بیان فرمایا ہے. مثلا فرمایا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول, اللہ کا کہنا مانو اور رسول کا کہنا مانو, یہ جوڑا ہی کام دیتا ہے, الگ الگ نہیں. کوئی شخص اگر اللہ کا کہنا مانے اور رسول کا کہنا نہ مانے تو اللہ کا کہنا ماننا بھی اس کے حق میں مفید نہیں ہوتا, یا رسول کا کہنا مانے اللہ کا کہنا نہ مانے, دونوں کی اطاعت ضروری ہے تب جا کے فائدہ ہوگا. اسی طرح فرمایا انشکر لی والے والے دیک, میرا شکر ادا کر اور والدین کا بھی ادا کر.
शुक्र का मतलब होता है कदरदानी, किसी की मेहरबानी का एतराफ करना, कौली या अमली, उसको शुक्र कहते हैं। अल्लाह की मेहरबानी का एतराफ और कदरदानी यह है कि उसकी ही इबादत की जाए। वालिदैन की कदरदानी यह है कि उनकी खिदमत की जाए। अगर कोई शख्स अल्लाह की इबादत करे लेकिन वालिदैन की बेइज्जती करे, उसकी वो इबादत भी काबिल कबूल नहीं। ये भी जोड़ा इकट्ठा ही काम देता है। इसी तरह फरमाया अकीमुस्सलात व आतुज़्ज़कात, नमाज कायम करो और ज़कात अदा करो। ये भी इकट्ठा ही है, नमाज कायम की जाए, ज़कात से दूरी हो, नफरत हो, इनकार हो, नमाज का कायम करना भी फायदा नहीं देता। या ज़कात अदा की जाए, नमाज कायम ना की जाए, तो ज़कात का अदा करना भी उसे जहन्नम से नहीं बचा सकता। ये जो जोड़ा है ये इकट्ठा ही चलता है। जिस तरह इबादत नमाज का नाम है, ये बदनी इबादत है, कौली इबादत ये दुआ है, शोरो पुकार है, जिसको इब्तिदा में ही सूरत फातिहा में ही अल्लाह ने जोड़ा बना के पेश किया है, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, ये भी जोड़ा है। इबादत और इस्तेआनत सिर्फ अल्लाह से। अगर इबादत अल्लाह की जाए, मदद किसी और से मांगी जाए, तो इबादत भी फायदा नहीं देती। ये भी जोड़ा इकट्ठा ही काम देता है। जिसकी इबादत उसी से इस्तेआनत। तो जिस तरह ये जुबानी इबादत है, इसी तरह नमाज बदनी इबादत है, और इसी तरह माल खर्च करना अल्लाह की राह में ये माली इबादत है। ये तीनों इबादतें फर्ज हैं अपने अपने मकाम पे, अपने अपने हाल अहवाल पर। किसी एक इबादत का इनकार भी इंसान को दायरा इस्लाम से बाहर निकाल देता है, क्योंकि इबादत ही तो इंसान पे फर्ज है, और जिसने फर्ज का ही इनकार करना है। बाज़ लोग जुबान से इकरार करते हैं, अमल से इनकार करते हैं। तो जुबान से इकरार करने का भी कोई फायदा नहीं, क्योंकि अमल से जिंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी। अगर अमल नहीं है तो खाली अकीदा रखना, नमाज फर्ज है, ज़कात फर्ज है, लेकिन उस पर अमल ना किया जाए, तो इसको अमली कुफ्र कहते हैं। एक तो इतकादी कुफ्र होता है, अकीदा सिरे से कि नमाज फर्ज ही नहीं, ज़कात फर्ज ही नहीं, इसको इतकादी कुफ्र कहते हैं। और एक ये है कि फर्ज तो है लेकिन अमल नहीं करना, इसको अमली कुफ्र कहते हैं। जैसा कि फरमाया मन तरक सलात मुतअम्मिदन फकद काफारा, तो ये अमली कुफ्र। कुफ्र किसी भी किस्म का हो, बहरहाल इस्लाम के तो मुनाफी ही होता है। तो अल्लाह ने जिस तरह बदनी इबादत का और जुबानी इबादत का बारहा हुक्म दिया है, तरगीब दी है, इसी तरह कुरान मुकद्दस में बारहा मुतअद्दिद बार अल्लाह ने माली इबादत का हुक्म भी दिया है। क्योंकि इस्लाम को सिर्फ बदनी इबादत या जुबानी इबादत की नहीं, बल्कि बसा औकात माली इबादत की भी जरूरत होती है। माल के जरिए अपने खालिक को राजी करना,
लोग हराम तरीके से पैसे देकर बाद लोगों को राजी करने की कोशिश करते हैं, रिश्वत देकर अपना काम निकालने के लिए, दूसरे का हक मारने के लिए पैसा देकर राजी करते हैं या नहीं करते हैं? ये जो शरबत दीनार है ये तासीर में बड़ा ठंडा है। शरबत दीनार समझते हैं ना, शरबत दीनार वो हकीमों वाला शरबत दीनार और होता है, ये शरबत दीनार होता है। ये पिलाते हैं और ठंडा करते हैं। हराम तरीके से माल देकर अगले को ठंडा किया जाता है, ये तो हराम का असर है और हलाल का कितना असर होगा। तो अल्लाह कहते हैं कि तुम अपने अल्लाह का गुस्सा ठंडा किया करो हलाल माल देकर, फिर तुम्हें हराम तरीके से माल देकर मखलूक को ठंडा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम्हारी सारी ठंडकों का जिम्मेदार वही बन जाएगा। तुम उसके गुस्से को ठंडा किया करो, उसको राजी किया करो। सबसे बड़ा फितना दुनिया के अंदर इंसान का माल होता है, फिर इंसान की औलाद होती है, इंसान का अहल वयाल होता है। बाज औकात बंदे का अहल वयाल इंसान को यूं समझिए कि दायरे इस्लाम से भी बाहर निकाल के खड़ा कर देता है, दूर होते होते इस कदर दूर निकल जाता है हुदूदुल्लाह को फलांगते फलांगते कि इस्लाम से भी बाहर हो जाता है। अल्लाह ने क्या फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुल्हिकुम अमवालुकुम वला औलादुकुम, ऐ ईमान वालों तुम्हें गाफिल न कर दे तुम्हारी बीवियां और तुम्हारे औलाद और तुम्हारे माल, किस चीज से गाफिल न कर दे, अन ज़िक्रिल्लाह अल्लाह की याद से, अल्लाह के जिक्र से तुम्हें गाफिल न कर दे, इसी अपनी औलाद और अपने माल की बढ़ोतरी में लगे रह जाओ और अल्लाह की याद भी दिल से निकल जाए। अल्लाह कहते हैं माल आ गया है, अब माल को अपने दिल का रोग न बना, अपने से जुदा कर। जिस दिल के साथ ये माल चिमट गया वो दिल अल्लाह का नहीं रहता, वो दुनिया का बन जाता है। माल के साथ मोहब्बत तो नफसानी और फितरी है, औलाद के साथ भी है, अजवाज के साथ भी है, मगर अल्लाह फरमाते हैं ये साथ साथ तेरे दुश्मन भी हैं। अगर ये अपने हाल पे रह जाए, तेरे दिल पे गलबा ना करे, फिर तो ये माल तेरा तेरे लिए फायदा मंद साबित हो सकता है। अगर तेरे दिल पे इस माल ने कब्जा जमा लिया, अगर तेरे दिल पे तेरी औलाद की मोहब्बत ने कब्जा जमा लिया, फिर तेरा यहाँ दुनिया में भी कोई नहीं तेरे ईमान की बचाव की जमानत देने वाला, और आखरत में भी तेरे लिए नजात का कोई जरिया नहीं बनने वाला। अल्फिकू मिम्मा रज़क़नाकुम मिन क़ब्ल अन यातियकुमुल मौत, उस वक्त के आने से पहले पहले अपना माल खर्च कर लो। जब वो वक्त आएगा, वो वक्त तुम्हें एक लाजे की मोहलत भी देने का वादार नहीं होगा। जब वो आएगा लेने वाला तेरी जान निकालने वाला, अल्लाह फरमाते हैं उस वक्त कहने वाला ये कहता भी रहे, फयकूलो रब्बे लौला अखरतनी जब जान निकालने वाला आए, उस वक्त ये मरने वाला यूं कहने लगे, रब्बे लौला
ذَكَرْتَنِي إِلَى أَجَلِ الْقَرِيبِ اے اللہ مجھے تھوڑی سی اور مہلت کیوں نہ مل گئی، مجھے تھوڑی سی اور ڈھیل دے دیتا، تھوڑی سی زندگی اور دے دیتا، کچھ لمحات یا کچھ دن یا مہینے اور مل جاتے تو کیا کرتا؟ کہتا ہے فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، میں صدقہ کر لیتا، میں مال تیری راہ میں خرچ کر لیتا، میں نے جو جمع کیا آل و اولاد کے لیے وہ تیری راہ میں دے لیتا، فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، میں صدقہ کرنے کے بعد نیکوکاروں میں شامل ہو جاتا۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَنْ يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، جب بھی کسی انسان کی اجل اور مدت مقررہ آ جاتی ہے، اللہ فرماتے ہیں لن یؤخر اللہ نفساً، پھر کسی انسان کو بھی ایک سیکنڈ اور ایک لحظے کی بھی مہلت نہیں دی جاتی۔ لن یؤخر اللہ، اور فرمایا لن یؤخر اللہ نفساً، نفساً کوئی نیک ہو یا برا ہو، کوئی چھوٹا ہو یا بڑا ہو، کوئی یگانا ہو بیگانا ہو، کوئی نوجوان ہو یا بوڑھا ہو، کوئی جیسا بھی ہو، جس علاقے کا ہو، جس بولی والا ہو، جس رنگ یا نسل والا ہو، جس قوم قبیلے والا ہو، جتنے عمل والا ہو، جتنے فضل والا ہو، جتنے علم والا ہو، جتنے حلم والا ہو، جتنے کمال والا ہو، جتنے جمال والا ہو، جتنے بخت والا ہو، جتنے تخت والا ہو، جتنے رخت والا ہو، جتنی اصل والا ہو، جتنے عمل والا ہو، لن یؤخر اللہ نفسا اذا جاء اجلها، یہ میرا نعرہ نہ لگایا کریں، میرا نعرہ نہ لگایا کریں، شیخ القرآن کا نعرہ ٹھیک ہے، توحید کا نعرہ، اللہ کا نعرہ، میرا نعرہ نہ لگایا کریں، اور علامہ مسیح خان رحمہ اللہ اس کا نعرہ آ جائے تو میرا تو اس میں خود بہت شامل ہو جاتا ہے نا، پھر الگ سے تو لگانے کے الولد سر لے ابھی، تو اولاد تو اپنے والدین کا صدقہ جاریہ ہوتی ہے نا، تو الگ سے لگانے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ ہاں بھائی توجہ ہے، فرمایا جب کسی نفس کی موت آتی ہے تو لن یؤخر اللہ، آج ناظم صاحب لیٹ ہو گئے، آپ کو جلدی آنا چاہیے، اب آہستہ آہستہ میں آپ کو جاننے لگ گیا ہوں نا، اب آپ کو دیر نہیں کرنے دوں گا میں۔ لن یؤخر اللہ نفسا اذا جاء اجلها، فرمایا او ایمان والو، ایمانداروں سے اللہ مخاطبت کر رہا ہے، غیر مومنوں سے بات نہیں ہماری، نہ ماننے والوں سے کوئی گلہ نہیں، وہ تو ہیں ہی نہ ماننے والے، جو ماننے والے ہیں، جو اپنے ہیں، اپنوں سے گلہ ہوتا ہے، اپنوں سے باتیں ہوتی ہیں، اپنوں سے مطالبے ہوتے ہیں، اپنوں سے میاں چھیڑے جھگڑے لگائے جاتے ہیں، یا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم ومما اخرجنا لکم من الارض، اللہ فرماتے ہیں او ایمان والو، ماننے والو، انفقوا خرچ کیا کرو، خرچ کرنا چاہیے نا، تو میں اسی لیے آج خرچ کرنے کی ہی بات کر رہا ہوں،
आपको समझ तो आ गई होगी ना भाई, आप जिधर बैठे हैं सबसे पहला हक तो ये है ना, खर्च करना है कि नहीं। आप ऐसे सर ना हिलाया करें, कुछ हाथ भी हिलाया करें। अभी एक बजे मैं इंशाल्लाह आपसे खास बात करने वाला हूं। हाँ जी, या अय्यो अल्लज़ीना आमनु, ओ ईमान वालो, अनफिकू मिन तय्यिबाति मा कसबतुम, जो तुमने कमाया अपनी तिजारत से, कारोबार से, माल दुकान से कमाया, सौदे वट्टे से कमाया, मा कसबतुम उसमें से भी खर्च किया करो। वमिम्मा अखरजना लकुम मिनल अर्ज़, और वो मियां माल जो हम तुम्हारे लिए जमीन से निकालते हैं, जमीन से मादनियात निकालते हैं, जमीन से सोना चांदी भी निकालते हैं, जमीन से फसलें भी निकालते हैं, जमीन से सब्जियां भी निकालते हैं, जमीन से दरख्त भी निकालते हैं, दरख्तों पे शहद भी लगाते हैं, है कि नहीं? शहद की भी ज़कात होती है। लोग तो फसलों के भी नहीं देते ना, बागों की भी ज़कात होती है, आपकी सब्जियों की भी ज़कात। मिम्मा अखरजना लकुम मिनल्लर, ये ज़कात जिसको उशर कहते हैं, ये जमीन वाली ज़कात, इसको क्या कहते हैं? ये जो हमारी ज़मीनें हैं हमारे इलाके में, हम जो लोग हैं मैदानी इलाके वाले, हमारे आबपाशी का निज़ाम नहरी ज़मीन है ना, तो हम खर्चे वाले लोग हैं, इसलिए हम पूरा उशर नहीं, आधा उशर देते हैं, बीसवां हिस्सा। कौन सा हिस्सा? उशर का माना दसवां हिस्सा होता है, फर्ज दसवां हिस्सा है, लेकिन ये खर्चे वाली जमीनें हैं, यहां उशर आधा कर दिया गया है शरीयत में कि तुम दसवां नहीं बीसवां हिस्सा दिया करो। लेकिन जो नहरी जमीनें नहीं है, जो बारानी जमीनें हैं, थल के इलाके हैं, बखर में जाएं आप, नूरपुर थल में जाएं आप, इधर जाए ना, बाज ऐसी जगह हैं बहुत ज्यादा, कई मुरब्बा जात को, जिनका इन्हिसार सिर्फ बारिश पर होता है, तो उनमें खर्चा चूंकि कोई नहीं होता, आपने बस बीज डाल दिया, तो वहां पूरा उशर होता है दसवां हिस्सा। वहां कितना होता है? दसवां हिस्सा। और यहां हमारे इलाकों में क्या होता है? तो इतनी आसानी तो है शरीयत में, जो चालीसवां हिस्सा ही नहीं देता, बीसवां हिस्सा भी नहीं देता, फिर भी वो कहता कि मैं पक्का मोमिन हूं। अब अल्लाह मोमिनों को क्या कह रहा है? या अय्युहल्लज़ीना आमनू अन्फिकू मिन तय्यिबाति मा कसबतुम वमिम्मा अखरजना लकुम मिनल अर्ज़। ए देने वालों, जब देने लगो तो अल्लाह कह रहे हैं वला तयम्ममुल खबीसा मिन्हु तुन्फिकूना, जब देने लगो तो फटे हुए नोट ना दिया करो। ये कुरान कह रहा है। चकवाल में एक जगह जलसा था, रमानी नाद पढ़ रहा था, मैं साथ स्टेज पे बैठा था। देने वाले भी कमाल के होते हैं। एक आदमी आया, उसने मूछें रखी हुई थी, दाढ़ी शाड़ी नहीं थी, उसने 500 का नोट रखा, 400 बकाया उठाया और गया। बाद में रहमानी साहब ने जब वो 500 का नोट देखा तो उस पर लिखा हुआ था ईद मुबारक। ये देने वाला दे गया है भाई ऐसे। और बाज़ औक़ात गरीब को देना है, फटा हुआ जूता दे दो, पुराना लिबास दे दो, जो तुम्हारे काम का नहीं वो अल्लाह के लिए दे दो। अल्लाह कहते हैं नहीं 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 नहीं, वला तयम्ममुल खबीसा मिन्हु, जो रद्दी माल हो वो देने का इरादा ना किया करो। जो रद्दी और गंदा माल है, जो तुम खुली आंखें देख रखते हुए खुद किसी दूसरे से लेने के रवादार नहीं होते, वो माल हमें भी ना दिया करो। अल्लाह फरमाते हैं वला तुम बे आखिरी इल्ला याद रखो, जब तक तुम्हारी आंखें खुली रहे तुम तो ऐसा गंदा माल लेने, ऐसा फटा हुआ नोट लेने के रवादार नहीं होते, ऐसा गलत माल। कहेंगे जनाब पैसे जब खरे दिए तो आलू भी खरे लेंगे, पूरा छब्बा सब्जी का ये फरोल डालता है,
कहीं कोई गलत ना आ जाए, एक आलू भी ना आ जाए गला सड़ा हुआ, एक सेब ना आ जाए, क्योंकि पैसे पूरे दिए हैं ना, सही दाम दिए हैं, तो चीज भी पूरी सही लेनी है। तो जब अल्लाह अल्लाह अकबर, एक फकीर आया दुकान पे, कहने लगा गर्मी का मौसम है, रोटी का टुकड़ा तो मेरे पास है, एक आम दे दो अल्लाह के लिए, मैं रोटी खा लूंगा। उसने वो नीचे जो छांटी करके गले हुए आम रखे थे, उसमें से उस फ्रूट वाले ने एक आम उसको दे दिया, फकीर ने वो तो ले लिया। फिर अपनी जेब से एक मुड़ा तुड़ा हुआ 20 का नोट निकाला, उसको सीधा किया और कहा अब इन पैसों को भी दे दो। तो उसने बड़ा अच्छा सा सुथरा सा आम उसको दे दिया पैसों से, दोनों आम ऊपर करके कहने लगा अल्लाह ये देख तुझे क्या दिया है और मुझे क्या दिया है। ये अल्लाह के लिए फ्री है ना, गला हुआ दे दो, फटी हुई शह दे दो, बेकार चीज दे दो, क्यों? अल्लाह को तेरी बेकार चीजों की जरूरत है। वलस्तुम बिआखिज़ी इल्ला अन तुमिज़ु फीहे, जान लो जान लो, वअलमु अन्नल्लाह गनीयुल हमीद। अल्लाह गनी भी है और अल्लाह हमीद भी है। अल्लाह कहते हैं जरा सुन, जो मेरे राह में माल देता है और मुझे राजी करने के लिए देता है उसकी मिसाल क्या है, और जो देता है लोगों को दिखाने के लिए देता है उसका हाल क्या है। अल्लाह फरमाते हैं मसलुल्लदीना युन्फिकूना अमवालहुम फी सबीलिल्लाह कमसल हब्बतन अंबतत सबअ सनाबिला फी कुल्ली सुंबुलतन मिअतु हब्बतन वल्लाहु युदाइफु लिमन यशा वल्लाहु वासिउन अलीम। अल्लाह कहते हैं मसलुल्लदीन युन्फिकून अमवालहुम, हाल हालत उन लोगों की जो खर्च करते हैं अपना माल अल्लाह की राह में, अल्लाह की राह में, लोगों को दिखाने के लिए नहीं, सिर्फ अल्लाह को राजी, अल्लाह का गजब, अल्लाह का गुस्सा ठंडा करने के लिए। वो किसी से कोई काम निकालना हो तो उसका गुस्सा ठंडा किया जाता है कि नहीं? लोगों के गुस्से ठंडे करते हो, अल्लाह का भी गुस्सा, अल्लाह भी कहार है, वो भी गुस्सा करता है, वो भी नाराज होता है, उसकी नाराजी को राजीपन में तब्दील किया करो, उसके गजब को गुस्से को प्यार और मोहब्बत में तब्दील किया करो, उसको राजी किया करो। सुभान अल्लाह। तो जो अल्लाह की राह में खर्च करते हैं, अल्लाह कहते हैं उसकी मिसाल, उनके दिए हुए माल की मिसाल क्या है? कमसल हब्बतिन, जैसे एक दाना, एक दाना, जैसे एक दाना उसको किसान ने जमीन में बो दिया, जब वो उगा तो क्या हुआ? अल्लाह फरमाते अंबतत सब सनाबेला, गंदम के एक दाने से 7 शाखें निकली। कितनी निकली? 7। ये अल्लाह कह रहा है, एक दाने से 7 शाखें निकली, हर शाख पे एक खोशा बना, एक बाली और एक सिट्टा बना। अल्लाह कहते हैं फी कुल सुंबुलत मिअतु हब्बा, हर एक खोशे के अंदर हमने 100-100 दाना लगा दिया, तो एक दाने का बदला कितने दाने मिले? 700। अल्लाह कहते हैं नहीं नहीं, ये तो तुम्हारी गिनती के लिए, तुम्हें खुश करने के लिए मैंने कह दिया, मेरा फजल
गिनतियों में महदूद नहीं है। अल्लाह कहते हैं मेरा फजल किसी शुमार और कैलकुलेटर में आने वाला नहीं है। वल्लाह युज़ाइफ़ लिमन यशा, सिर्फ 700 दाने नहीं, अल्लाह इससे भी जितना चाहे जिसके लिए चाहे बढ़ाता रहता है, क्योंकि वल्लाह वासिउन अलीम। अल्लाह बड़ी गुंजाइश वाला भी है, अल्लाह बड़े खुले इल्म वाला भी है। अल्लाह कहते हैं अल्लज़ीना युन्फिकूना अमवालहुम फी सबीलिल्लाह सुम्मा ला युतबिउना मा अन्फकू मन्नन वला अज़ा लहुम अजरुहुम इंदा रब्बिहिम वला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। माना सुनिए, मेरी आदत है मैं ज्यादा कुरान ही सुनाता हूँ। आपको कुरान पसंद आता है कि नहीं? हाँ, इसमें सब कुछ है सुभान अल्लाह, ये तफसील लिकुल शय है सुभान अल्लाह। क्या अब माना देखिए, الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله, वो मोमिन जो अपना माल खर्च करते हैं अल्लाह की राह में, सुम्मा ला युतबिउना मा अन्फकू मन्नन वला अज़ा, फिर जो माल खर्च करते हैं उसके बाद एहसान नहीं जितलाते। ये हमारे मुआशरे का सबसे जरूरी हिस्सा है, हैं? कल मैंने तुझे थाने से, मुसीबत से, जेल से नहीं छुड़ाया था, लिहाजा आज वोट मुझे मिलना चाहिए। कल मैंने तुम्हें ये तुम्हारा काम किया था, आज तू भी मेरा ये काम कर। और लोगों को बताता फिरता है, मैंने फलां आदमी आया था मेरे पास कर्जा लेने के लिए, फलां आया था मेरे पास मस्जिद मदरसे के लिए चंदा लेने के लिए, फलां गरीब बेवा औरत आई थी, मैंने बादशाह से सिलाई मशीन दिलाई, मैंने उसे ये दिया, मैंने, फिर तेरे देने का फायदा किया है जब देने के बाद तूने उसकी माशरे में बेइज्जती कर दी। मन्नन वला अज़न, ए ईमानदारो ला तुबतिलु सदखातकुम बिल मन्न वल अज़ा, एहसान जितला कर और लोगों में बात फैला कर अपने सदकात को बातिल न कर दिया करो, बातिल मिटा देना। सुभान अल्लाह, फरमाया माल खर्च करते हुए जो आदमी सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए खर्च करता है, कोई देखे न देखे, दिखा कर भी देना जायज है, दिखा कर देना भी जायज है, इस नीयत से कि दूसरों को भी तरगीब मिले, इस नीयत से नहीं कि लोग कहें बड़ा सखी है, फिर तो बर्बाद हो गई अर्शा। इन तुबदु सदकाते फनइम्मा हिया व इन तुख्फुहा व तूतुहल फुकरा फवखैर, अगर तुम ऐलानिया दो ये भी अच्छा है, और अगर ये महसूस करो कि यहां इस बंदे को देते वक्त किसी को पता नहीं चलना चाहिए, मोजज बंदा है, खुददार बंदा है, इसकी बेइज्जती हो जाएगी, तो इसको छुपा कर दे दो। यानी जिस तरह हाल हो, मकसद सिर्फ अल्लाह को राजी करना। अब देखिए अल्लाह, ये 700 दाने थे और अल्लाह कहता है वल्लाह युज़ाइफ़ लिमन यशा। एक तमसील और देखिए, ये भी सूरतुल बकरा में ही है, क्या फरमाया, مثل الذين ينفقون أموالهم اور حال ان لوگوں کا جو اپنا مال خرچ کرتے ہیں کیوں کرتے ہیں ابتغاء مرضات اللہ वो सिर्फ तलाश करते हैं अल्लाह की रजामंदी, अल्लाह राजी हो जाए, व तस्बीतम मिन अनफुसहिम, और अपने दिलों को मजबूत करने के लिए, अपने ईमान को मजबूत करने के लिए,
ये जो वसवसा शैतान का चल रहा होता है, माल खर्च कर दिया तो तेरा फुला काम रह जाएगा, अगर इधर माल दे दिया तो फिर नए मॉडल की गाड़ी कैसे आएगी, अगर माल लगा दिया तो फलां कोठी मियां कैसे खरीद सकोगे। ये जो दगदगा और वसवसा, ये दिल के ईमान को कमजोर करने वाला होता है। इसको मियां इस तरह वो दूर करते हैं, इस कमजोरी को वो ऐसे हटाते हैं कि वो माल जो कमजोरी और वसवसे का सबब बन रहा होता है, उस माल को वो अल्लाह की राह में फना कर देते। ना होसी ते ना रोला, बोलो, ना होगा बांस ना बजेगी। अल्लाह अकबर। ये जड़ा दिल ले खब्बा ते कां बनाई रखदा, माल आया ना थोड़ा जिया, आ थोड़ा जिया और जमा कर ले, थोड़ा जिया और जमा कर ले, थोड़ा जिया और, ये 99 का चक्कर शुरू हो जाता है। फिर थोड़ा जिया थोड़ा जिया थोड़ा जिया मरदे दम तक ला यम लाओ इल्लत तुराब, फिर कब्र की मिट्टी ही इसका मुंह भरती है, दुनिया की दौलत से इसका मुंह नहीं भरा जाता। अल्लाह अकबर। आज क्या फरमाया, तस्बीतम मिन अल्फुसहिम, अपने दिल को जमाने के लिए तस्बीत, साबित कदमी के साथ साबित कल्बी जरूरी होती है, जब तक दिल साबित ना हो कदम एक जगह ठहर सकते नहीं है। मसलुल्लज़ीन युन्फिकूना अमवालहुम इब्तिगा मरवातिल्लाह व तस्बीतम मिन अन्फुसिहिम, अपने नफ्सों को मजबूत करने के लिए, अपने दिल को पक्का करने के लिए माल खर्च कर देता है। अल्लाह फरमाते हैं का मसले जन्नत बेरबुवतन, इस बंदे की मिसाल तो ऐसे है जैसे बाग हो ऊंचे टीले पर, बाग हो और हो भी ऊंची जगह पर हो, का मसले जन्नत बेरबुवतन फासाबा क्या हुआ, मूसलाधार बारिश आई, पहाड़ भी ऊंची जगह पर था, फिर ऊपर से बारिश भी आई, वो बाग जो है जल थल हो गया, फातत को लहाजे फ़ीन, उसने पहले से भी दोहरा फल दिया, पहले से भी एक तो ऊंचा था ना बहुत, फिर बारिश आई, ऊपर से आनी थी बारिश, तो बारिश नीचे जमीन तक तो बाद में पहुंची, पहले उसने ले ली, ठीक है, नीचे किसी को मिले ना मिले उसको तो मिल गई कि नहीं, अब मिली ना, यूं तो करें मिल गई ना, फातो फाइन, तो वो दोहरा फल देने लगा। हाँ, अगर कभी ऐसा हो बारिश ना होने लगे, बारिशों का सिलसिला रुक जाए, लोग कहते हैं सोका आ गया फसलों में, बाग में आ गया, अल्लाह कहते हैं फइल्लम युसिबहा वबलुन फतलुन, अगर बारिशें ना भी आए जो ऊंची जगह पर होगा उसको तो मेरी तरफ से आने वाली शबनम ही काफी होगी। फतलुन शबनम, आप जानते हैं शब नम, ये शब जो है रात, ये नम किस वक्त होती है, शब नम फारसी का लफ्ज है ना, तो ये रात नम होती है, आधी रात के बाद होती है ना, है कि नहीं, जब कलियां चिटक के फूल बनती है, शब नम, ये नसीम सहारी बाद सवाब, जब ये हलकोरे लेती है बागों में जो ऊंची जगह पे होते हैं, अल्लाह फरमाता है कोई जरूरत नहीं बारिश की, नीचे वाले सड़ते जलते रहे बाग नहीं होते ना हो, जो हमारे रस्ते में खर्च करने वाला है उसको हमारी रहमत की फुहारी काफी होती है। तल्लन फुहार, फुहार शबनम, अल्लाह अकबर। और वो जो खर्च करते हैं युल्फिकु मालहू रिया अन्नास,
लोगों को दिखाने के लिए खर्च करते हैं। फरमाया फमसलहू कमसल सफवान, उसकी मिसाल तो ऐसे है जैसे पत्थर की पड़ी चट्टान हो, पत्थर की चट्टान हो, अलैहि तुराबुन, उसके ऊपर कुछ गुबार कुछ धूल मिट्टी पड़ी हो, तो अल्लाह कहते हैं फअसाबहु वाबिलुन फतरकहु सल्दा, वो जो थोड़ी सी गर्द गुबार चट्टान पे पड़ी थी वही जो उसने माल दिया, गोया वो चट्टान पे पड़ी हुई गर्द गुबार की तरह है। और जब उसकी नीयत में रियाकारी आई तो अल्लाह कहते हैं फतरकहु सल्दा ला यक़दिरूना अला शैयन मिम्मा कसबु वल्लाहु ला यहदिल कौमल काफिरी। एक आई एक झोंका बारिश का आया, उस चट्टान से टकराया और बारिश के उस झोंके ने चट्टान के ऊपर पड़ी हुई सारी मट्टी को धो दिया, इसी तरह बर्बाद हो गया माल उस बंदे का जिसने अल्लाह के लिए नहीं बल्कि रियाकारी के लिए खर्च किया था। बारिश आई मिट्टी ला यक़दिरूना अला शैय्यिन मिम्मा, अल्लाह अकबर, खुदा के बंदो, अल्लाह की राह में एक मेहमान को रोटी खिलाना, यहूदियों ने गजवा बनी मुस्तलक के दौरान एक प्रोपगंडा किया था, प्रोपगंडा बनाया था कि ये जो बाहर से आए हुए हैं ना मुहाजिर, ये इधर आके अंसारियों के बागों के हवेलियों के घरों के जदादों के मालिक बन के बैठ गए हैं, इनको भगाओ। ये अब्दुल्लाह इब्न उबय्य इब्न सलूल, और ला तुनफिकू अला मन इंद रसूलिल्लाह, और जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास मस्जिद में 70 असहाब सुफा शगिर्द रहते हैं जिनका खाना पानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मोमिनीन के जिम्मे था, गरीब अलवतन मुसाफिर तालिब इल्म थे, वो अब्दुल्लाह इब्न उबय्य इब्न सलूल और उसकी पार्टी कह रही है इनको खर्च ना दिया करो ताकि ये खुद बहुत भाग जाएंगे जब रोटी नहीं मिलेगी तो। ये कौन कह रहा था? ये सूरतुल मुनाफिकून है, उसमें अल्लाह ने बयान किया है, वो ये कह रहे थे। अल्लाह अकबर, तो अल्लाह ने क्या फरमाया? ये मुनाफिक क्या ये समझते हैं कि जमीन व आसमान के खजानों के मालिक ये हैं? लिल्लाह खज़ाइनुस समावाति वल अर्ज़ वलाकिन्नल मुनाफिकीन ला यफ़क़हून, मुनाफिक जानते ही नहीं है, इन्हें समझ ही नहीं है कि हर एक को जो कुछ कायनात में मिला हुआ है उसी का दिया हुआ है और वो किसी के चंदे का मोहताज, ये तो आजमाइश करता है। यहूदियों ने कहा था ना, कालतिल यहूद यदुल्लाह मगलूलतुन, जब मुसलमानों से चंदे की अपील की जाती थी ये यहूदी मजाक बनाते थे, ये बड़ी गंदी कौम है, ये आज तक उसी गंद में मुब्तला है। मुसलमानों से सबसे ज्यादा अदावत इन्हीं यहूदियों में पाई जाती है। अशद्द अन्नास अदावतन लिल्लज़ीन आमनू अल यहूद, ये उस वक्त भी जब अल्लाह के रसूल मोमनों से कहा करते थे कि अल्लाह के लिए खर्च करो, अल्लाह कह रहा है, तो ये क्या कहते थे यहूद? कालतिल यहूद यदुल्लाह मगलूलतुन, तो जो है ये कहते थे अल्लाह का हाथ बंधा हुआ है, ये खुद अपने मानने वालों को देता नहीं, इंसानों को कहता है तुम दो। अल्लाह कहते हैं गुल्लत अईदीहिम वलुइनू बिमा कालू, हाथ इनके बंधे जाएं, इन पर लानत हो इनकी इस बात की वजह से, बल यदाओ मबसूततान, बल्कि अल्लाह के तो दोनों हाथ खुले हुए हैं।
अल्लाह के दोनों हाथ, ये तो अल्लाह ने कह दिया दोनों हाथ हमें समझाने के लिए, पता नहीं उसके हाथ कैसे हैं, हम उनकी कैफियत नहीं जानते, ईमान रखते हैं। बल यदा मबसूततन कहा जाता है, वो तो दोनों हाथों से लुटा रहा है, ये एक मुहावरा होता है, ये एक मुहावरा होता है, जो बहुत ज्यादा सखियों कहा जाता है वो तो दोनों हाथों से लुटा रहा है। कहते हैं कि नहीं कहते हैं? आप कितने हाथों से लुटाते हैं? हैं? एक हाथ से तो लुटाना चाहिए कि नहीं, दाएं हाथ से? एक मिनट रह गया है, फिर मैं वो जोली वालों को खड़ा करने वाला हूं, मैं देखता हूं आप दोनों हाथों से लुटाते हैं, ये एक हाथ से? सुभान अल्लाह। आप वो पहले जो आप होता है ना कि खड़े हो गए, अब सफ़े बन रही हैं, फिर वो बेचारे रुमाल लेके फिर रहे हैं, खलल पड़ता है। अभी यहाँ बैठे बैठे आपने जो मस्जिद मदरसे के लिए करना है वो करेंगे इंशाअल्लाह। हाँ जी, तो क्या फरमाया? बल यदाहु मबसूततान युन्फिकु कैफा यशा, अल्लाह के दोनों हाथ खुले हैं, वो खर्च करता है जैसे चाहता है। ये जो यहूदी हैं, ये बेईमान बखील हैं, इनकी तो आदत है ये मोमिनों पर एतराज करने का कोई मौका जाने नहीं देते। जब इन्हें कहा जाता है ये तालिब इल्मों के लिए खर्च करो, ये गरीब मोमिनों के लिए खर्च करो, तो कहते हैं अनुतेमो मल्लहु यशाउल्लाहु अतअमहु, क्या हम उनको खिलाएं जिनको अल्लाह खिलाना चाहता तो खुद खिला देता। ये अल्लाह पर तनकीदें करते हैं, अल्लाह खुद क्यों नहीं खिलाता? अल्लाह तो बनाता है बहाने तुम्हारी बख्शिश के खर्च करो ताकि हमारा गुस्सा ठंडा हो। और रहमत हकरा बहाना में जो यद, बहाना में जो यद, वो तो बहाना बनाता है। कुछ हरकत तुम करो ना, जब तुम हरकत करोगे वो तुम्हारे दिलों का हाल जानता है। एक सहाबी आया, एक मुट्ठी भर जौ लेके आया, बड़े बड़े माल लोग लेके आ रहे हैं, एक आया मुट्ठी भर, आपने वो सब ढेर के ऊपर रख दिया। लोगों ने ताज्जुब किया, आपने फरमाया इसने सारा दिन कमाया ही इतना है और इसने सारी कमाई लाके अल्लाह को दे दी है। अब कहे ना सुभान अल्लाह। हाँ, अल्लाह क्या कहता है? अकीमुस्सलात वातुज़्ज़कात, कायम करो नमाज, अदा करो ज़कात, वअक्रिदुल्लाहा कर्ज़न हसना। तवज्जो है, नमाज कायम करो ये भी फर्ज, ज़कात अदा करो ये भी फर्ज, और फर्ज के बाद फरमाया वअक्रिदुल्लाहा कर्ज़न हसना। ये कर्जा क्या है? नमाज भी फर्ज है, ज़कात भी, ये 40वां हिस्सा फर्ज है, लेकिन ये तो साल के बाद है, इस्लाम को साल से पहले भी जरूरत पड़ सकती है, मुसलमानों को साल के बगैर भी जरूरत लायक हो सकती है। तुम्हारे साल का इंतजार करते रहें, इधर इस्लाम को जरूरत आ जाए। अल्लाह कहते हैं चलो वो फर्ज तो जब अदा करना है अदा करना है, हम तुम्हें तरगीब दे रहे हैं मेरे बंदो, अक्रिदुल्लाह कर्ज़न हसना, साल के बाद तुम्हारा फर्ज है और साल के दौरान हमारा कर्ज है, हमें कर्जा दे दिया करो। हमें वो कहाँ है कर्जा लेने वाले? भाई अनिल साहब, हाँ हाँ आओ भाई कर्जा लेने वाले। सुभान अल्लाह, फरमाया अक्रिदुल्लाह कर्ज़न हसना। जेब बाई हो या दाई, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप दोनों जेबों में देख लें, कहीं कुछ भी है निकाल के दो अल्लाह के लिए। अक्रिदुल्लाह कर्ज़न हसना, फरमाया वमा तुकद्दिमू लिअन्फुसिकुम मिन खैरिन मिन खैरिन, और जो तुम आगे भेजोगे मिन खैरिन, एक जर्रा बराबर भी अपना माल, जरूरी नहीं कि पांच हजार का नोट हो, 100 का भी चल सकता है अल्लाह के दरबार में, और वो तो 10 का भी ले लेता है।
सुभान अल्लाह, वो नखरा नहीं करता, वो नखरा नहीं करता, क्योंकि वो तो बहाना करता है, वो तो बहाना मांगता है। वाह करे अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहाने की बात आई। एक मिसाल सुनाऊं, बुखारी की हदीस है, आप बुखारी को मानते हैं ना? मैं भी मानता हूं, खामखा इल्जाम लगा हुआ है कि बुखारी को नहीं मानते हैं, बुखारी को मानते हैं। वो बकवास करता है जो कहता है ये बुखारी को नहीं मानते, हम कहते हैं इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैह, आप भी कह दें सुभान अल्लाह। एक मेहमान आया, मेहमान आया काशाना नबुव्वत पे, अहबाब की महफिल है, जिस तरह आप तशरीफ फरमा हैं इसी तरह सहाबा किराम भी आपकी महफिल में बैठा करते थे। आप तो सिर्फ जुमे को तशरीफ लाते हैं, वो हमेशा बैठा करते थे, मसले सुनते थे, दीन सीखते थे। एक बंदा आया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे भूख लगी है, मुझे मुसाफिर था। आपने सबसे पहले क्या किया, बासा इला निसाए ही, आपने घर में भेजा एक गुलाम बच्चा हजरत अनस कि जाके पूछ के आओ कि घर में कोई शय खाने की है कि नहीं। वो सारे घरों में फिर के आया और कहने लगा फकुलना मा माना हमारे घर में सिवा पानी के और। आपने फरमाया हाँ भाई हाजरीन में से मैं युजीफ हादा, इस बंदे को कौन मेहमान बनाएगा। फकामा रजुल मिनल अनसार, एक अंसारी साहब ही खड़े हो गए, वो कहने लगे आना या रसूल अल्लाह, अल्लाह के पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं इस मेहमान को ले जाता हूँ। जब वो ले के गया, अपनी बीवी को कहने लगा अकरमी ज़ैफ रसूलिल्लाह, ये अल्लाह के पाक पैगंबर का मेहमान है, इसके इकराम करना है, खाना देना है। वो कहने लगी मा माना इल्ला को तो सिबियाने ना, हमारे पास तो सिर्फ बच्चों का खाना पड़ा है और कुछ नहीं है। वो साहब ही कहने लगे कोई बात नहीं, जब अंधेरा हो जाए ना तो तुम ऐसा करना, हय इताम के व असबे ही सिराज के व नवे भी सिबियान के, खाना तैयार कर, चिराग जलाना, बच्चों को किसी बहाने से सुला देना, बच्चों को किसी बहाने से सुला देना। और जब खाना मेहमान के सामने रखेंगे ना भाई, अब इकट्ठे खाएं, तो तुम उठकर चिराग को ठीक करने के बहाने बुझा देना। उसने क्या किया, हयात तामन असबहत सिराजन नवामत सिवियानन, उसने खाना तैयार किया, चिराग जलाया, बच्चों को पहले सुला दिया, अब मेहमान के सामने खाना रखा। फकामत खड़ी हुई कि क्या करे, तुसले हो सिराजा, इस चिराग को ठीक करना है, रोशनी थोड़ी आ रही है, इसकी बत्ती जरा ऊंची करनी है, ऊंची करने की बजाय बिल्कुल बुझा दिया, अंधेरा हो गया। और वो यूं हिलाते रहे अपना मुंह जैसे खाना खा रहे हो मियां बीवी, लेकिन खाना सिर्फ मेहमान खाता रहा, क्योंकि एक बंदे का ही खाना था। वो वैसे ही यूरिया नहीं, वो उसको वैसे ही दिखलाते रहे कि गोया हम भी खा रहे हैं, लेकिन उन्होंने बात आता भैया भूखे रात गुजार दी। जब सुबह हुई अस्बह फगदा इला रसूलिल्लाह, तो सुबह के वक्त अल्लाह के पाक पैगंबर की खिदमत में हाजिर हुआ। नमाज पढ़ने के बाद अल्लाह के पाक पैगंबर ने फरमाया ज़ाहिकल्लाहुल लैलत मिन फआलिकुमा, तुम दोनों मियां बीवी ने रात को मेहमान की जो खिदमत की है, तुम्हारी खिदमत की वजह से अल्लाह भी हंसता रहा है। और तेरे हक में तो कुरान नाज़िल आ गया है, युसरुना लानफुसहिम
ये मोमिन जो है अपने नफ्सों पर दूसरों को तरजीह देते हैं, वलौ काना बेमखसासा, इन्हें खुद भी जरूरत क्यों ना हो ये फिर भी अपनी जरूरत हटा लेते हैं, दूसरों की जरूरत पूरी कर लेते हैं। और फरमाया मैयू का शोहा नफ्स ही, जो बंदा अपने नफ्स के बुखल से बच गया वो बंदा तो तीनों दुनिया में फला पा गया। तो फला पाने का है ना इरादा, तो हर जुमे ऐसे ही किया करें। मैं हर जुमे इंशाअल्लाह आखिरी दो चार मिनट आपको यही मसला समझाऊंगा कि अल्लाह की राह में खर्च करने का क्या मजा है। वैसे अगले जुमे का उनवान है ईमान की हलावत, ईमान की शीरीनी, जिसको कहते हैं ईमान दी चस, ईमान की मिठास, ईमान की लज्जत। आपने सुन लिया तो अगले जुमे जरा जल्दी तशरीफ ले आए। आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।